मनमोहन जी कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। सारे चित्रकारों को एक जगह लाना बहुत बड़ी बात है और ये उनकी 19वीं एग्जीबिशन इन्होंने की है और इसके पीछे मतलब एक चीज करने में मेहनत बहुत लगती है। आज हम जो देख रहे हैं लेकिन इसके पीछे कई महीनों की इनकी मेहनत होती है और इतने सारे जो कि मुंबई से भी हैं और मुंबई के बाहर के भी आर्टिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं। मैंने अभी कलकत्ता वाले से भी मैं मिली तो अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों को एकत्रित करना मतलब हम ये कहते हैं ना कि किसी को मतलब हम लोग किसी को ज्ञान दान देते हैं किसी का किसी और तरीके भी कान दान भी हम करते हैं लेकिन ये जो है शिक्षा का दान है एक तरह से। तो ये शिक्षा का दान कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है लोगों को एकत्रित करना और उनके अलग अलग मैं यहाँ पे देख रही हूँ। अभी मैंने एक शिवजी की पेंटिंग देखी मुझे बहुत अच्छी लगी मतलब अलग है पार्वती का रूप उसमें अलग है शिवजी अलग हैं गणेश जी हैं। ऐसे शिवजी की आप फैमिली भी आप देखेंगे ना तो हमें कुछ न कुछ कहती है। यहाँ पर सब विरोधाभास में है आप देखेंगे शिवजी का जो वाहन है शिवजी के गले में सर्प है वाहन नंदी है उनका और वहीं देखेंगे माँ पार्वती का क्या है बैल है। तो ये आप देखिए शेर नंदी और फिर गणेश जी का आप देखेंगे चूहा है कार्तिकेय का मोर है मोर और चूहा में भी दुश्मनी होती है लेकिन सब अलग अलग होते हुए भी इनका परिवार कैसे एक है ये हमें सीखना बहुत ज़रूरी है कि आज हमारे भी सब परिवार में हम रहते हैं हमारे विचार अलग होते हैं पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं रहती हैं तो हमें लड़ना नहीं है एकजुट होकर मतलब मिलकर रहना है। तो ये बात मैंने शिव जी की इस पेंटिंग से मैंने जानी। मैं जब यहाँ आती हूँ ना जब भी चित्रकला के तो मुझे क्या लगता है कि प्रकृति का सौंदर्य यहाँ पर अपना इत्र बिखेर रहा है। देव कन्याएं से विचर रही हैं हवाएं दिन में बरस रहा है धूप का पराग और मन कुमकुमी बना रही है शान। कविता सा जमीन पर आहिस्ता आहिस्ता उतर रहा है अंधेरा और चलकने लगा है चांदनी का अनुराग। अनगिनत पेंटिंग के संग चित्रकला के संग जहाँ पेड़ भी हैं प्रकृति भी हैं उनके संग घूमते हुए जिंदगी से न जाने कितना ही रेशम मांग लेने की जिद कर बैठता है मन। तो ऐसी होती है जहाँ चित्रकारी होती है जहाँ आपको आकर सुकून मिलता है शांति मिलती है आपका सारा तनाव दूर हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें कहते हैं कि कला हमारे जीवन की रचनात्मक ऊर्जा का प्रतीक है और भारतीय परंपरा के अनुसार वह परम विद्या का ही सनातन पक्ष है। जब से जीवन शुरू हुआ है जब से कला भी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और जो इससे परे हटकर जीने का सोचते हैं वो जीवन से कोई तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। तो कला के साथ संगीत हो चित्रकला हो कोई भी हो कला कला है। वैसे तो कहते हैं कि बुलबुल के तराना को भी कहीं सरगम की समझ दी जाती है हीरे जैसी कनी को कहीं मोती की दमक दी जाती है। किस चित्रकार में जरूरत है जो निसर्ग में कोई रंग भरे अरे सोने के कड़े को भी कहीं सोने की दमक दी जाती है। मनमोहन जी के बारे में मैं क्या बोलूं मन को मोहने वाला ये है मनमोहन। और हमेशा मेरा ख्याल से मैं तीसरी या चौथी बार आया हूँ यहाँ और हमेशा इन्होंने जो भी प्रेजेंटेशन हुआ इनके तो बहुत कमाल का और जो भी उनके जितने भी उन्होंने चित्रकार जो रखे वो कमाल के थे एक से एक उनकी कलाकृति है। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अभी मेरा परिचय ऐसा है कि मैं अमिताभ जी के पास काम करता हूँ और एज एन मेकअप आर्टिस्ट काम करता हूँ। वो एक मेकअप आर्टिस्ट एक कला है लेकिन चित्रकला और रियल कला ये दोनों कला एक जैसी है। इधर कला में जैसे सजीव किया जाता है मतलब एक कैनवास पे एक सजीवनेस लाई जाती है। मेरा काम है जो सजीव है उनको और सजीव कैसे किया जाए और वो कैरेक्टर पे कैसे जाए ये ऐसा मैं कोशिश करता हूँ। अभी तक मेरे ख्याल से मैंने बच्चन जी के साथ करीब 50 साल काम किया है और आगे भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सारे कैरेक्टर्स या सारे जो चित्र है वैसे और भी मैं बच्चन जी के ऊपर करूं और बच्चन जी को ऐसा कोशिश करूं कि बच्चन जी दिखे ऐसे। और ये कलाकृतियाँ तो बहुत ही अच्छी कलाकृतियाँ हैं मन मोह लेती है इसलिए मैं उनको मनमोहन कहता हूँ। तो मनमोहन जी ये जो करते हैं काम
और लोगों को इकट्ठा करते हैं, लोगों के साथ उनकी हमेशा ऐसे उनमें वो नहीं है कि जब भी देखो फोन करेंगे पूछेंगे, और बहुत ही मतलब मन के मिलनसार इंसान है, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हमको बुलाया और उन हमारे अच्छे उन्होंने लायक समझा और दो शब्द कहने के लिए बोला, इसलिए धन्यवाद धन्यवाद सर। इनवाइट किया गया था, मनमोहन जी ने ये ऑर्गेनाइज किया है एंड मैंने काफ़ी पेंटिंग्स देखी, बहुत अमेजिंग पेंटिंग्स है और ऑब्वियसली आर्ट कुछ ना कुछ कहता है, जैसे मेरी फील्ड भी एक आर्ट ही है और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, और चार दिन और है सो प्लीज़ आइए और विजिट कीजिए। थैंक्स मनमोहन जी जायसवाल फॉर ऑल द पैशन एफर्ट्स एंड मेकिंग मी अ सक्सेसफुल इवेंट, अमेजिंग पेंटर्स, अमेजिंग कलेक्शन एंड विशिंग देम ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू मनमोहन जी। द 10th कॉन्जिक्यूटिव ईयर आई एम एज द गेस्ट ऑफ ऑनर, ग्रेटिट्यूड, लुकिंग फॉरवर्ड टू मैनी मोर, थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम एंड आई ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेट मनमोहन जी, ऑफकोर्स ही वी हैड वन मनमोहन सिंह बट अकॉर्डिंग टू मी ही इज मनमोहन केयूर बिकॉज ही इज कंसर्न्ड विद आर्ट and he is doing a fantastic work of getting all the artists together, and of course the theme is that the colors of spring and I think as Kalidas said, sarvam idam charu taram vasante, because in the spring everything looks even more beautiful. At my own place I stay at Tarmir Enterprise apartment, yeah, and I'm into jewelry as well. My brand name is Tama, so Tama jewelry, yeah. And I want to congratulate Manmohan ji for this excellent work done by all the artists here. I'm truly ecstatic and elated and disproportionately bewildered with enormous gratification and dispensation of such a mesmerizing performance by all the artists here, and I'm sure sky is the limit. All the best. Thank you. गौरव प्रतीक है, मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ एज एक्टर। अभी मेरी फिल्म आ रही है द ग्रेट इंडियन रेस्क्यू विद अक्षय कुमार, 5 अक्टूबर को रिलीज़ हो रही है, तो अभी मनमोहन जी ने मुझे बुलाया इसके लिए, तो सभी आर्टिस्टों को बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा कि इन्होंने इतनी अच्छी पेंटिंग्स बनाई और कहीं ना कहीं पेंटिंग्स से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है देख के, लाइक 3D पेंटिंग्स हैं शिव जी के ऊपर है, जैसे मंजू ने जी ने बोला कि इतनी सारी फैमिली चूहा हुआ, गणेश जी की सवारी और बैल हुआ, ये सब एक साथ रह रहे हैं, तो हम यूनिवर्स को एक मैसेज दे रहे हैं कि हमें सब साथ रहना चाहिए, और मनमोहन जी को बहुत सारी शुभकामनाएं एंड प्रेस वालों को मीडिया वालों को जो जिनके माध्यम से चीज़ें बाहर जाती हैं। आज हम एक कमरे में छोटी सी जगह पे इतने लोग हैं, लेकिन आप लोगों के माध्यम से ये पूरे वर्ल्ड वाइड ये चीज़ें जाएंगी, ये सबसे बड़ी चीज़ है, तो प्रेस वालों को भी शुभकामनाएं और सपोर्ट करते रहते हैं, सो थैंक यू सो मच। जी ने मुझे भी इन्वाइट किया, आई एम रिटायर्ड चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स, जबकि जो इनकम टैक्स है वो ब्यूरोक्रेट होता है और आर्ट इज समथिंग डिफरेंट इट्स, बट मैंने आफ्टर रिटायरमेंट आई स्टार्टेड डूइंग पेंटिंग्स ऑल्सो, तो एक जो है इनकम टैक्स जो है, द टैक्सेशन इज अ वेरी ड्राई सब्जेक्ट एंड इट गिव्स, आई थिंक सो इट गिव्स पेन टू द पीपल, बट वेयर इज द आर्ट, आर्ट इज समथिंग विच गिव्स प्लेजर टू द पीपल, सो जस्ट इट इज द बैलेंसिंग एक्ट, इफ समबडी इज हैविंग ए पैशन फॉर आर्ट then it is a balancing act for even a bureaucrat. मैं मानता हूँ कि artist is bigger than the bureaucrat. Artist जो है वो हमसे बड़ा है, मैंने क्योंकि अभी शुरुआत की है इस फील्ड में, मेरी पेंटिंग जो है अभी छोटी है, साइज़ में भी छोटी है, लेकिन इन आर्टिस्टों की कंपनी में रह रहे के आई बिलीव मैं भी बड़ा हो जाऊँगा और मेरी पेंटिंग भी बड़ी हो जाएगी। थैंक यू so much for everyone, giving a platform to this beautiful artist. They're so beautiful from inside and outside, and you've been blessed by all of them, and it's raining outside and it's not a good weather, and still you've got so many people who've come to support you, and Manji is there to always support you, so you're blessed, and thank you, keep up with the good work, congratulations, and God bless you. And people have come from, as Manji said, from all over the country,
just to take part in this exhibition. And you're a beautiful human being. Keep doing good work. Yes. God bless you, and God bless all the artists. This is so creative. I mean, I can't understand like how they can create. ये मेरा थोड़ा काम है जो मैंने यहाँ पे exhibit किया है. जैसे कि आप देख रहे हैं, मुझको फूल और पत्तियों से विशेष ही मोहब्बत है, और वही मोहब्बत मैं अपनी पेंटिंग्स में जाहिर करना चाहती हूँ. जैसे कि ये वाली पेंटिंग का नाम मी अमोर है, और मी अमोर स्पेनिश में मतलब होता है माय लव. एंड इसके पीछे स्टोरी ये है कि जब भी मेरे हस्बैंड मेरे बॉयफ्रेंड थे, तभी वो मुझको रोज़ एक गुलाब का फूल देते थे, जो कि 8 साल उन्होंने मुझे शादी से पहले गुलाब का एक फूल दिया. आज मैं उनकी वाइफ हूँ, पर शादी होते से गुलाब के फूल गायब हो गए. तो अभी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद को गुलाब के फूल थोड़े से दे लूँ. तो इसके लिए ये पेंटिंग मैंने बनाई, जिसमें ढेर सारे गुलाब के फूल. फड़ का नहीं बोलते हैं इसको, फड़ का मतलब होता है पढ़ना. चित्रों के माध्यम से कहानी को पढ़ना या गा करके सुनाना. पूरी कहानी को हनुमान चालीसा को डिपेक्ट किया है इसके अंदर. एक मेथोलॉजिकल स्टोरीज होती है, वो होती है, उसी के अंदर हम ये सारा काम करते हैं. और इस आर्ट का उद्भव 700 साल पूर्व हुआ है. ये हनुमान चालीसा है और ये समुद्र मंथन को डिपेक्ट किया है. ये जो मेरे पेंटिंग्स है, मैं 10-12 सालों से इसमें काम कर रहा हूँ. मनमोहन जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है इसके लिए, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मनमोहन जी का. रीना नाइक, और ये मेरी पेंटिंग है फर्स्ट इम्प्रेशन. मेरी पेंटिंग का थीम है आई वर्क विद ऑयल ऑन कैनवस. एंड ये मेरा आई थिंक आई डिड अ सोलो शो एज वेल, एंड आई बीन एग्जिबिटिंग इन बॉम्बे, इन दुबई, इन टर्की, एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. और जनरली ये थीम है वो फर्स्ट इम्प्रेशन है, और रियलिस्टिक काम करना मुझे अच्छा लगता है. सिम्प्रोजा में मेरा फर्स्ट एग्जिबिशन है, और मनमोहन जायसवाल जी ने अच्छा अपॉर्चुनिटी दी. सो आई डू बोथ द मीडियम्स, वाटर कलर एंड एक्रेलिक एंड ऑल्सो ऑयल. सो आई वर्क फिगरेटिव एज वेल एज पोर्ट्रेट्स, एंड आई डू लाइव लैंडस्केप्स एज वेल. तो आई वर्क एज पर I do el plein air, and I work as per the emotion, the feel, and I do live drawings, all of them. So agar aap ye dekh sakte hain, ye sab mein sare mein maine thick media use karne ki koshish ki hai, and koshish ki hai ki rapid strokes dalne ki, and bring out the mood that I am in that time. Us tarike se maine painting ko darshane ki koshish ki hai jo main us samay feel kar rahi hu. And my name Rohani Sahib. Thank you. मेरे उसमें मैंने कृष्णा के और डिफरेंट डिफरेंट रूप्स दिखाने की कोशिश की है, और इसमें मैंने कलर्स के साथ उसके जो भी मूड्स हैं कलर्स के साथ करने की कोशिश की है. चलिए. और दिस पेंटिंग साज माई, मैं आई एम बिलोंग्स टू मुंबई, और ये सारी पेंटिंग्स जो है ये इंटरनेशनल अवार्ड है. ये दिस इज गोल्ड मेडल, इस पर 2 बार मुझे इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, और इस पर मिला है, मतलब काफ़ी पेंटिंग्स है जिस पर मुझे अवार्ड मिला है. सो थैंक यू, एंड थैंक्स फॉर कमिंग ऑल ऑफ यू ऑल्सो. थैंक यू. मैं दिव्यमान है, और मैं दिल्ली का आर्टिस्ट हूँ. मैं पेंटिंग बनाता हूँ एलिमेंट्स ऑफ लाइफ के ऊपर, जिसमें फायर, पानी, धरती, लैंडस्केप, ये सब दिखाता हूँ. ये पेंटिंग जो है इसका नाम इन्फर्नो है, और ये फायर के ऊपर बनाया गया है. इसमें एक जंगल है जिसको फायर पूरा इंगल्फ कर रहा है, नीचे से ऊपर तक. इतना ज़्यादा तेज फायर है कि आसमान भी है वो फायर के इफेक्ट में आया हुआ है. टेक्सचर, वी आर ब्लेस्ड विद अ न्यू फॉर्म ऑफ आर्ट. इट्स अ पेटेंटेड आर्ट, एंड इट्स अ हैंडमेड. The beauty of this art is it's a kinetic. So as you move by, the color changes and even the image would change. So it's not about just left and right. The real story is in the center. तो ये जो art है वो दृष्टि और दृष्टा का जो तफावत है, ये दृष्टा को touch कर रही है. ये painting मेरे बेटे ने बनाई है, हैंडी कैप है ये, टेफ एंड डब. तो बचपन से ही है. अभी ये फिलहाल जेके आर्ट कॉलेज में सेकेंड ईयर में है.
और ये पेंटिंग इसने जब ये 10th में था तभी बनाई थी, तो इतनी पहचान नहीं थी, तो आज मौका मिल गया है तो इसकी लाइफ की पहला एग्जीबिशन है इसकी लाइफ का, और मैं बहुत खुश हूँ कि अभी सेकेंड ईयर में ही है फाइन आर्ट में इसकी एग्जीबिशन पेंटिंग लगी है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरा नाम रानी प्रसाद है और मैं दिल्ली से आई हूँ। मैं एक हॉबी आर्टिस्ट हूँ और ये मेरी पेंटिंग है, ये है और ये है और ये। मुझे पेंटिंग के साथ फीलिंग्स दिखाना बहुत पसंद है, और ये जो पेंटिंग है आप देख रहे हो जो सी साइड में बैठी है, वो सेल्फ फीलिंग के बारे में है। हमें मतलब मुझे पर्सनली लगता था कि अगर आप खुश रहते हो तो हमेशा किसी के साथ ही रहोगे तो खुश रह पाओगे, पर जब आप अकेले होते हो तब ज़्यादा खुशी महसूस होती है, अकेले सेल्फ फीलिंग ज़्यादा होती है। तो यही मैंने इस पेंटिंग में दिखाया है। ये मिक्स मीडिया है, एक्रेलिक प्लस ऑयल है, और इसमें अब सावन का महीना चल रहा है तो शंकर भगवान की मैं भक्त हूँ, तो मैंने शंकर भगवान को बनाया है, और ये भी हीलिंग के ऊपर ही है, और इस पेंटिंग में हीलिंग विथ नेचर है। तो जब आप कभी भी अपसेट होते हो, सैड होते हो, पर आप जब नेचर एंड आई एम ए लर्निंग आर्टिस्ट सो आई हैव मेड दिस रियल विच इज़ द रूट एंड द कॉज ऑफ एवरी क्रिएशन। सो ऑल माई पेंटिंग्स आर बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल बेसिस। इफ़ यू ऑब्जर्व एवरी इंडिविजुअल पेंटिंग इट हैज़ सम मीनिंग इन इट। सो इफ यू फॉर एग्जाम्पल यू टेक द बुद्धा, सो आई हैव शोन द सोल इज अलाइंड, सो अलाइनमेंट ऑफ द सोल। दिस इफ यू सी ऑब्जर्व केयरफुली दिस विल गिव अ फैमिली बॉन्ड, Adi Yoga, he is a supreme creator. So I've highlighted all the certain areas of him. Srinath, the god of adornment. So he will make you prosper. So basically I've made it so much of feelings that the one who possesses it, you know, has a feeling of happiness, auspiciousness, good health. So basically it I have also come up with the Shri Yantra in the paper form. So once it's placed under you, you know, it will give a feeling of positivity. So all these things will help in I am from Calcutta. Batao. Haan, bolo, chalo. I am from Calcutta, West Bengal, Shikha Nandan, self-portrait artist. This is my painting in acrylic on canvas. This is the theme of Prakriti at the rate eternity. Means our earth is moved. At the change of velocity per unit time, there is acceleration and that make a momentum of a particle. And that time, the motion in the earth and the change of nature and also change the color. That color change may, this, my painting is come in this position. Different, I cannot give in dynamic motion, but I give it in static position. Different times, different color have got the my paintings. थैंक यू, थैंक यू सो मच। नमस्ते, मेरा नाम मानसी डोभाल है, मैं पेंटिंग भी करती हूँ। अक्सर लोग मेरे को मेरी एक्टिंग और मेरी कलाकारी से ज़्यादा जानते हैं, बट पेंटिंग का मुझे बचपन से बहुत शौक था, एंड अभी रिसेंटली 4-5 साल से आई एम इंटू पेंटिंग प्रोफेशनली, और मेरे बहुत सारे पेंटिंग एग्जीबिशन हुए हैं, मनमोहन जी के साथ हमने काफ़ी करे हैं, एंड फिर से हमको एक बहुत अच्छा अवसर मिला है अपने पेंटिंग का एग्जीबिशन करने का। एंड ये है मेरी आर्टवर्क इधर, शिव जी की टू ब्यूटिफुल आर्टवर्क आई हैव, एंड मोस्टली मेरी आर्टवर्क बहुत स्पिरिचुअल रहती है। मेरा थीम मोस्टली लॉर्ड शिव, गणपति और हनुमान जी से काफ़ी प्रभावित रहता है, एंड स्पिरिचुअलिटी इज़ द डोमिनेंट थिंग इन ऑल ऑफ माई आर्ट। थैंक यू।